इसमें देखिए सिर्फ एक कॉइल ही रनिंग का जला हुआ है, बाकी स्टार्टिंग और रनिंग का कॉइल सब ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक कॉइल जलने का कारण है कि इसमें गेज या टर्न का प्रॉब्लम हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज देख रहे हैं मेरा सामने वॉशिंग मशीन का ड्राई मोटर है। तो ये आपका 40 वाट का है, इसमें 6 MFD का कैपेसिटर लगता है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये इसका कॉइल जल चुका है तो दिखाते हैं आपको। देखिए ये जगह, देखिए कॉइल जला हुआ है, ये देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लीड सो काट लेते हैं सही से, और उसके बाद फिर इसका बॉडी टॉप खोलते हैं और दिखाते किस तरह ये जला हुआ है, किस कारण से ये जला है। तो चलिए सबसे पहले इसको बॉडी टॉप खोलते हैं। तो ये वाइटनर के सहायता से इसको दाग मार दे रहे हैं कि जिस तरह खुला हुआ है उसी तरह फिटिंग करना हमको। ये देखिए पूरा बॉडी आपको खुल चुका है, और आप देखिए ये रनिंग का सिर्फ एक कॉइल ही जला हुआ है, वो भी रनिंग का कॉइल जला हुआ है सिर्फ। तो इसका एक कॉइल जलने का कारण यही हो सकता है क्या कि इसमें गेज अगर पतला हो सकता है या इसमें टर्न कम गया होगा, इसी कारण से ये एक कॉइल जला है, बाकी सब कॉइल ठीक है। ये देखिए आपको दिखाई भी दे रहा है, और नहीं तो इसका इंसुलेशन तो सही नहीं मिला या बॉडी में सटा होगा तो इसका कारण भी हो सकता है। तो चलिए हम इसको फिर से रिबाइंडिंग करेंगे प्रॉप फुल, क्योंकि एक कॉइल जला हुआ है रनिंग का, तो नीचे का कॉइल निकालने से बढ़िया है स्टार्टिंग का भी कॉइल ख़राब हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हम इसको फिर से रिबाइंडिंग बढ़िया से करेंगे, पूरा फुल वाइंडिंग कर देंगे। तो चलिए हम इसको कॉइल टॉप इसको खोलते हैं और इसका चेक करेंगे किसका कारण से जला हुआ है। तो हम पहले ही वाइटनर के सहायता से दाग मार दिए, जिस जगह रनिंग का कॉइल बैठेगा उसी जगह वाइटनर से दाग मार दिए हैं। तो चलिए हम इसको कॉइल टो खोलते हैं और कितना घाट में है और कितना लीयर है और कितना टन है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये देखिए ये 4 में 1 लेयर और 6 में डबल लेयर बैठा हुआ है, उसी तरह करके 4 ग्रुप उसी तरह बैठा हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी इसको खोल दे रहे हैं हम। यह स्टार्टिंग का खुल चुका है, अब रनिंग का भी देख रहे हैं कि कितना लेयर में है, कितना घाट में है। चलिए ये हम पूरा कॉइल टो खोल चुके हैं और इसको हम गिनती कर ले रहे हैं, स्टार्टिंग का भी और रनिंग का भी गिनती कर ले रहे हैं, और कितना 4 में है कितना 6 में है टर्न वो भी आपको इस वीडियो में बता दे रहे हैं, और एक चार्ट की तरह एक तो आपको वीडियो में दिखा दे रहे हैं। तो चलिए आपका रनिंग आपका हो गया ये 150 4 में, और आपका 6 में हो गया है 300। गिनती करने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो इसलिए हम गिनती कर ले रहे हैं, फिर आपको बता देंगे कि कितना आपका इसका टर्न है और कितना इसका वेट होगा वो भी आपको बता देंगे हम। और गेज भी कितना वो भी आपको
बता देंगे। तब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह वाइंडिंग किया जाता है, वो भी गुच्छा गुच्छा कॉइल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि कॉइल बनाएंगे चार का अलग छः का अलग, ऐसे नहीं, गुच्छा जो करके कॉइल बनाएंगे। और वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये आपका हो गया है 170 और 340 है।